नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। तो किसान मित्रों, आपको पता है पहला वीडियो हमने डाल दिया था, दूसरा भी डाल दिया है, यह तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो हमने अभी नई सीरीज शुरू करी है। हम उन किसानों के यहाँ पर जा रहे हैं जिन लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ पर आए। हमने एक पोस्ट डाली थी, उसके नीचे बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट थे। हो सकता है आपने भी कमेंट किया हो, और जब हम आपके क्षेत्र में आएंगे तो पक्का आपके वहाँ पर भी आने की कोशिश करेंगे। तो किसान मित्रों, आज हम हैं ग्राम बेलारा में, रियावन से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं युवा किसान जो बहुत अच्छे से अपने यहाँ पर लहसुन की खेती कर रहे हैं। और पहली बार मैं जब आपसे मिला तो आपने मुझे पर्सनली कॉल करके बताया कि मैं रियावन सिल्वर की खेती कर रहा हूँ और कृषि जानकार को देखने के बाद कर रहा हूँ। उससे पहले जो मैं खेती करने का जो तरीका था वो अलग था। चलिए किसान मित्रों, बात करते हैं किसान से और सबसे पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजेश प्रजापत है, मैं बेलारा से बिलोंग करता हूँ। आप हैं राजेश जी प्रजापत, ग्राम बेलारा मतलब रियावन और सुखेड़ा के बीच में एक छोटा सा गांव है, वहां के आप रहने वाले हैं। तो आप लगभग कहां तक पढ़े हुए हैं? मैंने BSc कंप्यूटर साइंस से कर रखी है। आपने BSc कंप्यूटर साइंस करी है, और आप जो खेती कर रहे हैं वो कौन सी वैरायटी की खेती है, और आपने कृषि जानकार से क्या चीज़ें सीखी है, सबसे पहले आप वो किसानों को बताएं। रियावन सिल्वर की खेती में पिछले तीन चार साल से कर रहा हूँ। इसका अच्छा रिजल्ट है, और अपने यूट्यूब चैनल है उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। बिल्कुल, जो पहले हम दुकानदार से लेने जाते थे तो वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट देता था, अब हम जाके बोलते हैं तो वो हमारे हिसाब से प्रोडक्ट निकाल के देता है। मतलब आपका कहना ऐसा है कि जब से कृषि जानकार सबसे पहले तो ये बताएं, कृषि जानकार देखने के बाद आपने खेती के तरीकों में क्या बदलाव किया? बिल्कुल बदलाव किया, दूरी मेंटेन करी हमने, टाइम टाइम पानी, और अच्छी चीज़ें इसमें डाली। मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ें आप डाल रहे हैं। एक और आपका एक और ये है कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत समय पहले जब हम नॉर्मल तरीके से खेती करते थे, जब जो चीज़ दुकानदार हमें देता था वो चीज़ हम में लेके आता हूँ, अब मैं जाके दुकानदार को बोलता हूँ और दुकानदार मुझे चीज़ देता है, वो हमने नया चीज़ सीखी है। और कुछ आपने ऐसा कोई यहाँ बीज चयन में, हमने वीडियोस डाले थे, बीज चयन से आपको कोई फ़ायदा मिला है? हाँ, बीज चयन मतलब थोड़ी बहुत थे वो जो अलग टाइप के थे उनको निकाला, फिर प्योर ग्रेडिंग करके एक टाइप के, और बड़े बड़े दाने मतलब जो कली होती है उसको भी इस बार आपने लगाया। मतलब जो छोटा बीज था वो आपने अलग निकाल क्लियर कर, हर वर्ष छोटे मोटे सब चलते थे तो उसमें क्या है वो क्वालिटी नहीं बन पाती थी। इस बार आपने, मैंने स्वयं ने देखा है, प्लॉट काफी अच्छा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, प्लॉट काफी अच्छा है। आप ये बताएं कितने एरिया में है ये? 3 बीघा का प्लॉट है पूरा। हर वर्ष आप कितने एरिया में करते थे? 2 से 2.5 बीघा, हर बार 2 से 2.5। इस बार भी आपने लगभग बराबर ही एरिया में करी है, पर इस बार आपने जो खेती का तरीका है वो पूर्ण रूप से चेंज कर दिया है। और आप बताएं कि आपने कृषि जानकार से और कौन कौन सी चीज़ें सीखी है जो आप पहले आप जो गलत प्रैक्टिस करते थे। हमारा उद्देश्य यही है कि किसान अगर गलत तरीके अपना रहा है तो उसको क्या क्या आपने सुधारा है अपनी ज़िंदगी में कृषि जानकार देखने के बाद में? मैंने देखा है कि पहले लोग मंडियों में यावन के लोग जाते थे, बेचते थे लहसुन, उनका मतलब काफ़ी ऊँचे भाव में बिकता था, हमारा वहीं जाता था, कुछ पैसे नहीं मिल पाते थे। फिर हमने उस तरीके से चैनलों पे देखा, यूट्यूब चैनलों पे, फिर अच्छे अच्छे देखा, फिर नॉलेज किया, फिर 2-3 साल से उस पद्धति को अपनाया, फिर वो वैरायटी चयनित की, उस वैरायटी के आधार पर हमने भी अगले साल भी बहुत अच्छा 7-8 हज़ार रुपये इस वर्ष भी लहसुन बेची हमने। अच्छा, आप एक और चीज़ मुझे शुरुआत में जब मैं आया था आप मुझे बता रहे थे, आपको शुरुआत में क्या लगता था जो आप वो भी बताएं कि सेटिंग वाला क्या बोल रहे थे आप? हाँ, वो ऐसा लगता था कि कुछ होते हैं जिनकी मतलब डायरेक्ट उनसे सेटिंग हो जाती है व्यापारियों से और वो अच्छे दाम पे बिक जाते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी लहसुन खुद बेची है, जहाँ 300 रुपये जा रही थी वहाँ मेरी 7 से 8 हज़ार लहसुन गई है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और इससे पिछले साल भी मैंने 17 हज़ार तक बेची है। तो आपका ये कहना है कि जो किसान मित्र ये सोचते थे, आप स्वयं यही बात सोचते थे शुरुआत में जब रियावन सिल्वर बहुत ऊँचे ऊँचे दामों पर बिकती थी, तब बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ 80% किसानों का यही सोचना होता था कि ये रियावन वालों की कोई ना कोई सेटिंग है और ये मंडी में जाकर सीधे बनियों से सेटिंग पे बेच देते थे। ऐसा नहीं है, आप बोल रहे हैं कि मैंने जब मंडी में जाकर देखा तब मुझे लगा कि सच में इस प्रकार की क्वालिटी आती है, और वो तरीका आपने चयन किया। तो इस आपने वर्ष 2000 मतलब 2 साल पहले 17-17 हज़ार 18-18 हज़ार तक बेची, और इस वर्ष भी आपने 7-8 हज़ार तक लहसुन बेची। जैसे आप और बताएं हमें, आप कृषि जानकार में और कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ऐसी कोई कमी हम छोड़ रहे हैं वीडियोज़ में, या फिर आप कोई एडिशनल जानकारी चाहते हैं जो आप किसान मित्र की ओर से, मैं किसानों की ओर से आपसे पूछना चाहता हूं कि और कोई किसान है जो जानकारी चाहता है कि हमें उस प्रकार से जानकारी प्रदान करें, तो आप ऐसी कोई चीज़ चाहते हैं तो आप हमें बताएं।
जानकारी तो यही चाहिए कि यार कोई सी भी दवाई हो या कोई सा भी प्रोडक्ट हो उसके बारे में पूरी जानकारी आप लाइक वो क्या काम करता है, उसमें कितनी मात्रा में क्या करना चाहिए वगैरह, किस अवस्था में देना चाहिए, ये कम्प्लीटली जानकारी हमको भी पता नहीं चलती अभी तक। लगभग आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स की चाहिए? हाँ, सभी जो लहसुन में यूज होते हैं उसकी तो जानकारी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाँ सही, आप सही बोल रहे हैं। तो किसान मित्रों, आपका कहना है कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो लहसुन में उपयोग होते हैं उन सभी प्रोडक्ट वाइज आप जानकारी चाहते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका, सारी चीज़ें, उनके डोज से लेकर कब उनका उपयोग करना है, सारी चीज़ें आप चाहते हैं। होता है, सही है, आप सही बोल रहे हैं। आज से पहले जब किसान कृषि जानकार नहीं देख रहे थे, जब कृषि जानकार नहीं था, तब दुकानदार भाई देख रहा है तो बुरा ना माने। आज से कुछ समय पहले होता क्या था कि जो दुकानदार दवाई देता था वो किसान खरीद के ला रहा था। अब किसान इतना जागरूक हो गया है, अब जो किसान बोलता है वो दुकानदार को देना पड़ता है। तो ये हम इम्प्रूव करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट हैं और जिनका उपयोग लहसुन में होता है, लहसुन के अलावा दूसरा का भी हम करेंगे, इंसेक्टिसाइड वगैरह, तो हम ये भी चीज़ एड ऑन करेंगे। तो किसान मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे प्लॉट में कोई कमी नहीं लगी है, प्लॉट बहुत शानदार है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत शानदार प्लॉट है। और इस किसान मित्रों, दिन में लगभग 2:30 बजे का समय हो रहा है, 2:30 बजे का मैं आपको बता देता हूँ, हमने जब वीडियो शूट किया, आप यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, प्लॉट पूरा हरा भरा और शानदार प्लॉट खड़ा है। यहाँ पर ये खेत जो है वो थोड़ा सा ढलान वाला है, तो आपने जो सिंचाई पद्धति उपयोग करी है वो उपयोग कर रखी है फव्वारों वाले। और कृषि जानकार देखने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूरी काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है। आप यहाँ पर देखिए, लगभग 8 इंच के आसपास की दूरी आपने मेंटेन कर रखी है। पौधों की आप थिकनेस देख सकते हैं, पौधे भी काफ़ी अच्छे और स्वस्थ खड़े हैं, अभी तक तो इनमें कोई समस्या नहीं। हल्का फुल्का जो पीलापन दिख रहा है वो मौसम की वजह से, बारिश हुई थी, अभी आप देख रहे हैं दिन में ये बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से थोड़ा हल्का पीलापन सभी प्लॉट में आ गया है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, साथ ही किसान मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा और जम के कमेंट करिएगा, हो सकता है अगला नंबर आपका हो।